तो गाइस पुनीत सुपरस्टार जो है टट्टी बालू खाने के बाद अब फिर से रिप्लाई वीडियो आ गया है शाहरुख खान के बारे में। उनका कहना है कि शाहरुख खान की मूवी आज के बाद किसी को देखने नहीं जाना। उसका रीजन ये है कि बाबा सिद्दीकी के जनाजे पे वो नहीं पहुंचे। उसी पे पुनीत सुपरस्टार ये बोल रहे थे शाहरुख खान जो है ना आज तक मुंबई का हुआ ना मुंबई वालों का हुआ। बाबा सिद्दीकी इनको इतना मानते थे फिर भी ये नहीं समझे की 5 मिनट के लिए भी उनके जनाजे पे जाए और वहां जाके सब कुछ करे। हाँ, बाबा सिद्दीकी का जनाजा पड़ा हुआ था और वहाँ शाहरुख खान अपनी शूटिंग में बिजी था। सही कहा है किसी ने कि शाहरुख खान ना कभी महाराष्ट्र का हुआ ना कभी बॉलीवुड वालों का हुआ और ना कभी मुंबई वालों का हुआ। अरे बॉलीवुड वालों से उसने जो है पैसा कमाया, धन कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई। और मेरे दोस्तों उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि 5 मिनट के लिए बाबा सिद्दीकी के जनाजे पर चले जाऊं। अरे अक्षय कुमार से लेकर संजय दत्त और संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक जो है बाबा सिद्दीकी के जनाजे पर पहुंचे, लेकिन शाहरुख खान नहीं पहुंचा। जिस बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख खान को अपने गले से लगाया, अपने हर इवेंट में बुलाता था, अपने सीने से लगा के रखता था, सलमान से दोस्ती कराई, इतना बचा के रखा, उसी बाबा सिद्दीकी के जनाजे पर शाहरुख खान को 5 मिनट का टाइम नहीं मिला। मेरे दोस्तों इसी को कहते हैं दोस्त के सीने पर एंड वक्त पे खंजर घोंपना, इसी को बोलते हैं। मेरे दोस्तों तुम लोग भी आज के बाद शाहरुख खान की कोई भी पिक्चर देखने मत जाना। तुम लोगों को भी उस खुदा का वास्ता है मेरे दोस्तों, मत जाना आज के बाद कोई भी पिक्चर देखने शाहरुख खान की। क्योंकि मेरे दोस्तों बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ है ना उसे मैं तो क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं भूलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों शाहरुख खान ने 5 मिनट की जरूरत नहीं समझी कि हम उसके जनाजे पर चले जाएं और उसे जाके कांधा दे दें। सही खेल गया मेरे भाई, तू सही खेल गया। तो गाइस इस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए SSB को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।